बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम आपको जिस मज़ारे कुदस की हाज़िरी करवा रहे हैं और जहाँ जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं, ये दरबार मुकद्दस सिलसिला आलिया कादरिया खिजरिया के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा जी पीर सैयद मोहम्मद असलम शाह कादरी खिजरी मखदूमी उरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मज़ार मुकद्दस है। आप रहमतुल्लाह अलैह 1947 गुजरात कीरामाला हज़रत पीर सैयद मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर आपकी विलादत हुई। आप बचपन से ही औलिया अल्लाह की सोहबत में रहने का आपको शरफ़ हासिल है। आपने इब्तदाई तालीम हज़रत पीर सैयद याकूब शाह साहब अलमारूफ़ अब्बा जी सरकार कीरामाला सैदा से हासिल की। आपके उसातज़ा में मंतिक का इलम आपने पीर अब्दुल गफूर हज़ारवी मेहराबाद शरीफ खलीफा आज़म हज़रत पीर मेहर अली शाह गोलड़ा शरीफ से हासिल की। पीर सैयद अब्दुल कादर शाह पीखी शरीफ और मुहदसे आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद चिश्ती साहब हज़रत अहमद सईद काजमी शाह साहब आपके उसातज़ा में हैं। आपने अपनी सारी ज़िंदगी कुरान पाक की तालीम हासिल करने और उसकी तबलीग में गुजारी। अल्लाह करीम ने आपको 7 बेटे और 4 बेटियों से नवाजा। आपका मज़ार मुकद्दस गुजरांवाला तहसील वज़ीराबाद गये वाला शरीफ आपका मज़ार मुकद्दस मरजाए खलाइक है। इस वक्त आपकी मज़ार मुकद्दस पर मौजूद हज़रत साहबज़ादा अल हाफिज़ वल क़ारी पीरज़ादा सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब दामत बरकातम आलिया सजादा नशीन हैं, जो कि आपके साहबज़ादगान में 6 नंबर पर हैं। जामिया कादरिया खिजरिया के नाम से आपके मज़ार मुकद्दस पर दरस भी कायम है, जहाँ पर हुज़ूर साहबज़ादा पीर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाते और फी सबील अल्लाह आप ये काम कर रहे हैं और उन बच्चों के अखराजात भी कबला शाह साहब ख़ुद बर्दाश्त करते हैं। 9 जनवरी 2000 आपका यौम विसाल है।